हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है UPSC रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 146 जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट डायरेक्टर और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको एज पर UPSC नॉर्म्स के तहत ही मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया होगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी किया सकती है। अगर वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों, इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो रिसर्च ऑफिसर नेचुरोपैथी के लिए एक वैकेंसी है, रिसर्च ऑफिसर योगा के लिए एक वैकेंसी है, असिस्टेंट डायरेक्टर रेगुलेशंस एंड इन्फॉर्मेशन के लिए 16 वैकेंसी है, असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक ऑडिट के लिए एक वैकेंसी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 48 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 58 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 20 वैकेंसी है, वहीं असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए एक वैकेंसी है। अगर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने CA, CMA, CS, CFA, डिप्लोमा, डिग्री, LLB, BA या BTech, MBA, MCom या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो रिसर्च ऑफिसर नेचुरोपैथी और रिसर्च ऑफिसर योगा पोस्ट के लिए आपका डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री क्यों होना आवश्यक है। वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर रेगुलेशन एंड इन्फॉर्मेशन के लिए आपका LLB क्यों होना जरूरी है, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक ऑडिट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने CA, CMA, CS, CFA, LLB, MBA, MCom या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपका LLB क्यों होना जरूरी है। वहीं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपका डिप्लोमा या फिर BA BTech क्या होना जरूरी है सिविल इंजीनियरिंग में। अगर बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, तो इसके लिए आपका डिप्लोमा या फिर BA BTech क्या होना जरूरी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। वहीं अगर बात कर लेते हैं असिस्टेंट आर्किटेक्ट पोस्ट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री कर रखा है, यानी कि कम से कम कोई भी बैचलर्स डिग्री कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो रिसर्च ऑफिसर नेचुरोपैथी और रिसर्च ऑफिसर योगा पोस्ट के लिए आपकी आयु 35 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए, असिस्टेंट डायरेक्टर रेगुलेशन एंड इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी आयु 40 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए, वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक ऑडिट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए आपकी आयु 35 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए। अगर जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसके लिए आपकी आयु 30 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए, वहीं असिस्टेंट आर्किटेक्ट पोस्ट के लिए आपकी आयु 35 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए, और ये सारी 1 जनवरी 2023 से पहले तक होनी चाहिए दोस्तों। वहीं अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो OBC कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, PWD जनरल कैंडिडेट्स को 10 साल तक का, PWD OBC कैंडिडेट्स को 13 साल तक का, जबकि PWD SC ST कैंडिडेट्स को 15 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स को देना होगा 25 रुपये, वहीं SC ST, PWD और वुमन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आदम शुल्क नहीं रखा गया है। वहीं मोड ऑफ पेमेंट कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, तो ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 8 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 27 अप्रैल 2023 तक चलेगी। वहीं अगर बात कर लेते हैं लास्ट डेट एप्लीकेशन के प्रिंटआउट निकालने के लिए क्या रखा गया है, तो ये 28 अप्रैल 2023 रखी गई है। हो सकता है दोस्तों कुछ एक पोस्ट के लिए आपसे एक्सपीरियंस ही मांगा गया हो, इसे आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर पाओगे। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।